मन बोलिया के हम छतरी राजपूत जात के, मारे ना मरने कटाला दखे इब मारे से फिर रोग की बढ़ जा रे की ढाला। हम छतरी राजपूत जात के ना मरने कटाला बावन सर की उसके सबते लांबा लारा सारे के वो खर्च करे था मोटा था सहुकारा। बालकपन में एक पाड़ा कुत्ता जो लगे जानते प्यारा रे। बालकपन में पाड़ा कुत्ता लगे जानते प्यारा। माथे टिका गड़ में पट्टा माथे टिका गड़ में पट्टा भक्ति का रंग काला। इब मार से फिर रोवे की बढ़ जा रे की ढाला। हम छतरी राजपूत जात के सभी जानते कुत्ता मार बन जा रहा रोया। प्रशांत भाई ये हमारे हिंदुस्तान की कहानी है और जहां हम बैठे हैं इसी वतन की कहानी है। 1 नवंबर सन 1966 को दक्षिणी पंजाब का ये टुकड़ा कटके हरियाणा बना था, लोगों बुजुर्ग जानते हैं। 1947 के बाद जब बंटवारा हुआ तब पाकिस्तान बना, लोगों आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया और आधा पंजाब यहां रह गया। पंजाब का भी टुकड़ा होके हिमाचल बन गया और पंजाब का एक टुकड़ा बनके हरियाणा बन गया। लेकिन अब ये पंजाब इतना बड़ा था ये वतन, आप इधर जाइए साजापुर नीमराणा साजापुर यहां तक पटियाला की रियासत लगती थी, इतना विशाल पंजाब था। पंज आब, पंज माने पांच, आब माने नदी, पांच नदियों का संगम, इतना बड़ा था ये। और लखी बनजारा इसी वतन का था लोगों, लाहौर का रहने वाला। आज लाहौर पाकिस्तान में है, ये भगत सिंह भी लाहौर का हुआ है, लाहौर जिले में छोटा सा बंगा गांव सुना होगा। लोगों इतना पैसे वाला था, आज ये टाटा बिड़ला अंबानी अगर अपने आप को पैसे वाले मानते कि मैं बेगोना 352 सरकियों का मालिक, हर जगह दान पुण्य करा करता। लेकिन सन 1902 की बात, एक महामारी आई चेचक की बीमारी, गांव के गांव खाली हो गए, बंजारे का सारा कुणबा मर गया, सारा टांडा मर गया, पूरा लाहौर खाली हो गया, केवल वो लखी बंजारा बचा और वो कुत्ता बचा। मन में सोचता है अगर तू भी लाहौर में रहा तो तू भी मरेगा, अपने कुत्ते को लिया साथ में और लखी बंजारा पहुंच जाता है उत्तर प्रदेश आगरा, जड़े ताजमहल है, बड़े सेठों की नगरी हुआ करती थी। सेठ करोड़ीमल का नाम सुनया
लक्खी बंजार अपने कुत्ते को लेकर के करोड़ीमल सेठ कने पहुंच गया। के कहानी बनी के बता दिया चलते शहर आगरे में आया। भाई डलती फिरती छाया हो तोटे ने घना सताया। लाला जी एक लाला जी कन आके उसने अपना कर्ज कटाया रे। लाला जी के आके उसने अपना कर्ज कटाया। बोले सेठ तेरा बड़ा नाम सुना है, मेरा नाम लक्खी बन जा रहा है, तू मुझे कुछ पैसे उधार दे दे। सेठ बोला भाई पहले मैं गिरवी रखता हूं कुछ चीज, नियम से मेरा कुछ कहने दर दे, रुपये ले जा। जेब में हाथ गिरा देखे मैं नहीं मिला, कुत्ते का नहीं नजर गई। बोला सेठ एक चीज से मेरे धोरे बस इसने गहने दर ले, आज टोटे में मरू मेरी दया कर ले। बेईमान को ना तेरे रुपये ब्याज लगा के दूंगा। बोला के गिरवी धरेगा? बोला मेरे कुत्ते ने गिरवी धर ले। कुत्ते का नहीं देखा, अरे कुत्ता ना एलिशेशन ना लेबरा ना जर्मन से फर्ड देसी कुत्ता ठहरा है। बोले रे के रुपये दू? हाथ जोड़ के बोले साहब 20,000 रुपये दे दे। लोगो बुजुर्गो अपने मन में सोचो 1902 के 20,000 आज के 20 लाख के बराबर बैठेंगे। बोले रे मामूली सा तेरा कुत्ता रुपये मांगे इतनी मोटी रकम 20,000 फद्दू बनावे है। बनजारे को गुस्सा आ गया, खड़ा हो गया बनजारा। बोला सेठ रुपये दे चाहे मत दे पर मेरे कुत्ते को मामूली ना कहे, रे मेरा कौन भाई ओए है। और देखे मेरा टेम बिगड़ गया, जे मेरा टेम 16 होता अरे पागल 20,000 तो इसका नहीं देखण के कोने लू मैं, आज तेरे गिरवी धरू हूं। सेठ के मन में रहम आ गया, लोगो तिजोरी खोली। भाई 20,000 रुपये दे के, ओए 20,000 रुपये दे के दिया कुत्ता राख रखाड़ा। बनजारा चल पड़ा, वो लाला जी सेठ आवाज लगाता है, बनजारे डटी है तन। बोले साहब बोलो। अरे करार कर, कितने समय के बाद मेरा रुपया उल्टा देगा भाई, के ब्याज लेगा? बोले जी 6 महीने में मैं तेरे 20 के 25,000 दे दूंगा। बोले ठीक सजा भाई। लोगों बताते कि 6 महीने पूरे हो गए, महीना लगा 7वां। सेठ बाट देखा आवेगा बनजारा, कुत्ता डबल रोटी खावे दूध पीवे, एक खर्चा और बंद गया। 7वां महीना गया, 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां एक साल हो गया। इवो सेठ 52 बुद्धि कुत्ते का नहीं देखा, आधा साधा रोवे। हसे तेन देख फद्दू बना गया तेरी 52 बुद्धि सीधी सी मारेगा बनजारा। अरे रोवे नू फूफा कड़े तो पूर्ति करेगा इतनी मोटी रकम। लेकिन एक साल के बाद उस भगवान ने कहानी में मोड़ ला दिया। लोगो के कहानी बनी के बताया दादा ने कैसे?
चोरी होगी एक साल में, चोरा ने लोगो चोरा ने जब धन काढ़ा ओ कुत्ता खड़ा गाले मेरे, चोरा ने जब धन काढ़ा हो कुत्ता खड़ा गाले में, ओए चोरा ने धन काढ़ कूड़ के दाब्या एक ताल में, दिन लिकड़ा जद पेली पाटी वो कुत्ता लाया माल ने रे, चोर बढ़ गए तिजोरी तोड़ के धन काट लिया, सेठ का कुनबा सुता पड़ा है, वो कुत्ता खड़ा खड़ा टुकर टुकर देखे, समझदार था कुत्ता, देख लिया चोर हथियार ले रहे हैं, तू बो क्या ते ये चोर तन्ने भी मारेंगे रे सेठ के कुनबे ने भी मारेंगे, चुपचाप देखता है कुत्ता, सारे धन को चोरों ने निकाल के एक बाटे में पत्थर में बांध के गांव के बाहर जोड़ में दबा दिया, पाछे जब बात ठंडी होगी जब लिकाड़ के ले जाएंगे, कुत्ता देख के अपने घर आके सो गया, दिन लिकड़िया सेठ ने तिजोरी टूटी देखी माथे में हाथ मारा है बर्बाद हो गया, माथा पकड़ के सेठ बैठ गया रोने लगा, सेठ रोवे और कुत्ता कू 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 करे, सेठ रोवे कुत्ता कू कू करे, सेठ की नजर कुत्ते पे गई, गुस्सा आ जाता है, छड़ी उठाई पेड़ वाले भाई, छड़ी उठाई सेठ ने, अरे कुत्ते का छड़ी मारता रहे बेईमान कुत्ते, एक साल से तेरे को खिला रहा हूं, रात में चोर आए तू भी सो गया, अरे तू भोग देता तो मैं चोरों को पीट के भगा देता, तेरे कारण बर्बाद हुआ हूं, पांच सात छड़ी और मार दी, लोगो सेठ ने न्यू कह दिया रे कुत्ते तू भी बेईमान, तेरा लक्खी बन जा रहा भी बेईमान, 20,000 लेके गया आज तक उल्टे ना दी, छड़ी लागी तक कुत्ता रोया नहीं बुजुर्गो, लेकिन जब बंजारे को बेईमान कह दिया कुत्ते की आंखों में परल परल आंसू आ गए, सेठ छड़ी मारता है और कुत्ता सेठ की धोती का पल्लू मुंह में पकड़ के खेचे, सेठ छड़ी मारे कुत्ता पल्लू पकड़ के खेचे, एक प्रशांत भाई जैसा समझदार आदमी खड़ा ने बोले भाई ओ सेठ डट जा, तू देख एक बे ये कुत्ता कोई इशारा करता है, सबने देखा कुत्ते ने सेठ की धोती का पल्लू पकड़ के गांव के बाहर जोड़ पे ले गया, पानी में बड़का जोड़ में सारे धन को लिकाड़ के सेठ के पाया में धर देता है, लोगो फिर लाला जी तो अरे लाला जी तो राजी हो गया, लाला जी तो राजी हो गया, कमड़ी तलक संभाल राजी होया, कहतो का छड़ी मारे तो कुत्ते का मुंह चूम में, हाय रे कुत्ते तू तो बड़ा बढ़िया है, साची कहता तेरा बन जा रहा, तेरे तो 20 लाख भी थोड़े हैं, सजनो रागनी पूरा जोर लगा के गा रहा हूं, पीछे तक अगर समझ मारते हो हाथ उठा के ताली बजा के बताओ, अगर समझ मारी हो तो एक नंबर की बात हो तो, धन्यवाद। सुनिए आखिर में क्या होया, बनजारा कुत्ते के ऊपर हाथ फेर कर न्यू बोले रे कुत्ते तू कुत्ता कौन है रे, तू तो कुणबे बरगा है, धन्यवाद करता हूं तेरे लक्खी बंजारे को, दोबारा जब लक्खी बंजारे का नाम लिया कुत्ते की छाती भर आई, ऊपर को मुंह करके ठाडू हुक मार कर रोने लगा, फिर परल परल आंसू आ गए, ओए समझदार आदमी ने बोला भाई सेठ देख अगर आज ये कुत्ता न हो तो बेआई मरे, इसके कारण बचा है, कै रुपये मांगे बंजारे थे, बोला 20,000, बोल हिसाब लगा ले कड़े 20,000 और कड़े तेरी इतनी माया, इसका प्यार है बंजारे में, तू एक काम कर इसको बंजारे को सौंप दे, लोगों बंजारा बहुत ढूंढ्या लेकिन मिला कोन्या,
किसी ने बताया कि विज्ञान भी ये बात कहता है कुत्ते की सूंघने की शक्ति बहुत तेज है। सेठ ने एक चिट्ठी लिखी के भाई लक्की बन जा रहे, जो मेरे पे तू 20,000 लेके गया वो मेरे आए हो गए, और ले ये कुत्ता मैं तेरे को फ्री में देता हूं, और भाई तने और चाहिए तो और ले जा, लेकिन तेरा कुत्ता देने को मन नहीं करता, लेकिन तेरा मोह से इसमें कुत्ते के गल में वह चिट्ठी बांध दी, कुत्ता रवाना कर दिया। आगरा नगरी के अंदर भटकता है लेकिन बंजारा नहीं मिला। लोगो आगरा से दिल्ली रोड पर, आगरा से दिल्ली रोड पर मथुरा और आगरा के बीच में गांव पड़ता है मर्रोली। मर्रोली गांव में कुत्ता आया, मालिक बंजारे की गंध उसके नाक में गई, गांव में बढ़ लिया। गांव के जो देशी कुत्ते बड़े बड़े ठाडे ठाडे, ओपरा कुत्ता देखा, किसी ने टांग पाट ली, किसी ने कमर पाट ली, लेकिन आखिरकार अंततः भाजता भाजता वो कुत्ता मालिक बंजारे के पास पहुंच जाता है। बंजारे की हालत देख के कुत्ते की छाती भर आई, 352 सरकी का मालिक आज चिनाई का काम कर रहा है। लोगों चिनाई का ईंट गारा पकड़ाता है, अपने मालिक को देख के लाड में ऊपर को मुंह करके हुक मारी कुत्ते ने, और उधर बंजारे ने देखे, यो तो तेरा कुत्ता से काली मान गया, आया बाहर लिखड़ के बोले, रे कुत्ते दिखा दी जात, रे कुत्ता का कुत्ता, अरे तेरे कारण एक टाइम की रोटी खाते हुए एक रुपया जोड़ रहा हूं, सेठ के रुपये देके तने छुटा के लाऊंगा, और तू तू बाज का गया, तने मेरी बिरानवाटी करवा दी, मेरी इज्जत खराब करवा दी। लोगो बंजारा देसी कट्टा रखता था, कट्टा काट्या, बिना सोचे समझे कुत्ते के गोली मार दी, कुत्ता वही मर जाता है। क्या कहानी बनी। फिर उठे मिलिया बनजारा, भाई बनजारे नहीं जान के, बनजारे नहीं जान के, कुत्ता जीत मारा, भाई कुत्ता जीत मारा। गल में बंदी चिट्ठी देखी, फिर हाथ फेर पुचकारा रे, एक गोली लागते ही कुत्ते के चांद गने पाओगे, इतने जी था कुत्ते मर गया, लेकिन था तो प्यारा। बंजारा बाज का गया, कुत्ते का हाथ लगाया, लहू लुहान कुत्ता पड़ा है। अपने हिंदू धर्म में एक नियम है लोगो, सुरेश कालुवास जी 500 रुपए से आशीर्वाद देते, धन्यवाद बुजुर्गो। अपने हिंदू धर्म में एक नियम है, मरे हुए जीव को मिट्टी दो या अग्नि दो। बंजारे ने एक गड्ढा खोदा और गड्ढे में उस कुत्ते को गिरने लगा, ऊपर माटी गिरने लग गया, तक कुत्ते के गले में वो कागज दिखाई दिया, माटी हटा गया, कागज व चिट्ठी काटी, वह चिट्ठी पड़ी, उस दिन कह रहा कुत्ता मार, बंजारा रोया। ये रागनी है, देसी बात है। आप लोग डांस देखो, जीजा साड़ी की रागनी सुनो, देवर भाभी की सुनो, उनमें ये बात नहीं मिलेगी। लोगों ये बात अगर जीवन में इंसान, आज के नवयुवक अपने जीवन में उतार ले तो शायद पीछे मुड़कर नहीं देखे। वो कहते ना, फिर पछताए क्या हो जाए, चिड़िया चुगी खेत खेत। इंसान को पेशेंस के साथ रहना चाहिए, सोच समझ कर कुछ करना चाहिए, तोल के बोलना चाहिए, वो इंसान कामयाब होता है। ना तो फिर बुड्ढे न्यू कहेंगे, देख न्यू रोवाजनु बंजारा कुत्ते ने मार करो है। भाई चिट्ठी पढ़ के रोवण लग गया, ये चिट्ठी पढ़ के रोवण लग गया, चिट्ठी लोगो चिट्ठी पढ़ के रोवण लग गया, लक्ष्मी चंद जातिया रजपूत।
रे काटा।